नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें विधान परिषद के चुनाव पर है। स्थानीय निकाय की 36 एमएलसी सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 27 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होगी। ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी के लिए निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों ने चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आज 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां गोरखनाथ मंदिर में हुई आतंकी घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा का जायजा लेंगे। साथ ही नवरात्रि के नवमी के दिन वो कन्या पूजन करेंगे। बता दें कि 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव में नगर निगम बूथ पर मतदान करेंगे। इसके अलावा सांसद, राज्यसभा सांसद और नगर निगम के मेयर और पार्षद भी नगर निगम बूथ पर मतदान करेंगे। सीएनजी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो, कैब और टैक्सी चालकों ने मांगों पर सुनवाई न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार की तरफ से ईंधन की सब्सिडी नहीं प्रदान की गई और किराए में राहत नहीं मिली तो विरोध तेज किया जाएगा। 11 को दिल्ली सचिवालय पर भी विरोध किया जाएगा, जिसमें दिल्ली एनसीआर के हजारों चालकों के शामिल होने की उम्मीद है। तो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब सीएनजी की बढ़ी कीमतों को लेकर कैब टैक्सी ड्राइवर लगातार नाराज नजर आ रहे हैं और अब विरोध तेज करने की बात भी कह दी गई है और सब्सिडी की मांग भी की गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर राहत नहीं दी गई तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। यूपी में मौसम का मिजाज दिन ब दिन बदलता जा रहा है। अब तक जहां लोगों को सिर्फ गर्मी का सितम सहना पड़ रहा था, ऐसे में अब तपिश के साथ लू भी चलने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी के अधिकतर जिलों में तापमान अभी और बढ़ेगा। प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और 10 अप्रैल तक तापमान इसी तरह से हर रोज नए रिकॉर्ड बना सकता है। गुरुवार को आगरा फिर से प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। 15 मार्च के बाद से आगरा प्रदेश के गर्म शहरों के टॉप 5 शहरों में शुमार रहा है। गुरुवार को आसमान से अंगारे बरसे और पारा बढ़कर 42.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि अभी 10 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा, बारिश के आसार भी नहीं है, जिसकी वजह से तापमान और बढ़ सकता है। और साथ ही साथ आगरा भी पिछले दिन सबसे गर्म जिला रहा और गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा। तो वही बात करें, 15 मार्च के बाद आगरा प्रदेश के गर्म शहरों के टॉप 5 शहरों में शुमार रहा है। गुरुवार को आसमान से अंगारे बरसे हैं, पारा बढ़ गया है, 42.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और बलिया में पत्रकारों की गिरफ्तारी के संबंध में पत्रकार ने गंगाराम यादव राष्ट्रीय पार्षद डिप्टी चेयरमैन उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बैनर तले इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सिधौली को सौंपा। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश के डिप्टी चेयरमैन गंगाराम यादव ने कहा कि मीडिया की आवाज देश की आवाज है, उसको दबाने का प्रयास लोकतंत्र का हनन है। जिस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर लगातार जानलेवा हमला हो रहा है, पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पत्रकारों की हत्या हो रही है, ये देश के चौथे स्तंभ का अपमान है। योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया है, जिसमें शराब, बियर आदि पेय को भी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में लेते हुए अब इनमें संबंधित कंपनियों, वितरकों और दुकानदारों के लिए खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां फिरोजाबाद में भी शराब माफिया अन्य प्रदेशों से शराब मंगाकर नहीं बेच पाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान अगर खोली जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। जनपद फिरोजाबाद में आबकारी विभाग के लिए जो फूड लाइसेंस देने हैं, उनको लाइसेंस देने के लिए सरकार ने आपके विभाग को क्या जिम्मा सौंपा है और क्या क्या उनके लिए दिशा निर्देश है, जी बताइए। देखिए, जो हमारा नया
अधिनियम आया है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, वो ऑलरेडी इन्फोर्स हो गया है 2011 से प्रदेश में। कतिपय कारणवश जो शराब आपका आबकारी विभाग था, उसकी जो दुकानें थी, उनको अभी तक कवर नहीं किया जा सका था खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन में। उसके लिए शासन स्तर से अब निर्देश जारी हो गए हैं कि इन दुकानों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस पंजीकरण के दायरे में लाया जाए। और इसके लिए मुख्य सचिव महोदय ने, हमारे विभाग से प्रमुख सचिव महोदय ने पत्र इशू कर दिया है और हम आबकारी विभाग से समन्वय स्थापित करके उक्त कार्रवाई को पूर्ण करवा रहे हैं। इसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं और लोगों में जागरूकता फैलाई। बहराइच में बोर्ड परीक्षा 2022 को शासन एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार नकल विहीन सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने सीमांत इंटर कॉलेज के साथ ही राम जानकी इंटर कॉलेज रुपईडीहा समेत जिले के कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भले ही लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अंबेडकर नगर जिले के प्राथमिक विद्यालय इल्तिफातगंज का मामला है, जहां 8 सालों से जर्जर भवन में स्कूल के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बता दें कि समाज कल्याण से पैसा स्वीकृत होने के बावजूद जर्जर भवन को बनाया नहीं गया। जर्जर भवन को समय समय पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने मामले का संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा वर्मा जी। ये जो जर्जर स्कूल है, कहाँ कहाँ अभी तक शिकायत आपने किया? हमने अपने स्तर से जब भी जो भी खंड शिक्षा अधिकारी नए आए हैं सबको शिकायत किया। अभी जो नए आए हैं इनको भी हम देने वाले हैं शिकायत। लगभग कितने दिन उससे शिकायत देते चले? 2013 में यहाँ पर नियुक्त प्रधानाध्यापक के पद पर मैंने तब से लगातार शिकायत किया है हर वर्ष। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मैं चाहती हूँ जर्जर भवन गिरा दिया जाए किसी भी हाथ। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां ट्रांसपोर्टर के 45,000 लूट के बाद बदमाशों ने कार में आग लगा दी। भुपिया मऊ से शहर लौटते समय बाइक पर सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। ट्रांसपोर्टर मोहम्मद इम्तियाज ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि नगर कोतवाली इलाके के गोपालपुर की यह घटना बताई जा रही है। भैया अभी हम नमाज पढ़कर 10 बजे मस्जिद से निकले हैं। कौन सी मस्जिद से? पैसा लेकर गाड़ी मेरी खड़ी थी, मुझको पैसा देने मतलब देने गए थे 45,000 रुपये, तो वहाँ पर गाड़ी थी नहीं, जो ना लौट रहे थे हम जो है। छोटी मोटा साइकिल स्प्लेंडर थी जो ना, 5 लोग थे जो है, उसमें एक लोग गुलजार है जो ना है, एक भगवा के और एक आदमी उसको और पहचानते हैं कुन्नू है जो ना है डेलीपुर के, बाकी लोग हम पहचान नहीं पाए हैं जो ना है। 45,000 रुपये छीन लिए, मोबाइल छीनने को थे तो मोबाइल लेने जावा, मोबाइल टूट गया मेरा जो है और गाड़ी मार लगा के निकल गए जो ना इलाहाबाद की तरफ। जनपद मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 25,000 रुपए का इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहा था यह अपराधी। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर जेल चौराहे के पास मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में भी लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। ये बदमाश औरैया दिव्यापुर का रहने वाला है, जो 25,000 रुपए का है रिवॉर्डेड क्रिमिनल था, जो कि तनार थाने में 1 साल पहले इसने पेट्रोल पंप पर लूट किया था जी। इसके अतिरिक्त ये करहल और कोतवाली से भी वांटेड चल रहा था लूट के मामले में। इसने कन्नौज, साथ में औरैया और फतेहगढ़ में भी इसने लूट की वारदातें की थी। कई जनपदों से वांटेड चल रहा था, हमारी सर्विलांस और स्वाट की टीमें इसका पीछा कर रही थी पिछले कई दिनों से। आज एक पेट्रोल पंप पर लूट के लिए आया तो हुआ था, 2 व्यक्ति थे और उसमें से एक को इसको गोली लगी है अरविंद को, इसको एक पिस्टल के साथ लूट की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस पार्टी पे इसने फायर किया है, हमारा एक पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट था उस पर भी गोली लगी हुई है, जिसका ट्रीटमेंट जैसा आप देख रहे हैं अस्पताल में चल रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।